तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें एंगेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग। दे आर लुकिंग फॉर हायर स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज इन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो उनको हम सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे, विच ऑप्शंस आर बेटर फॉर देम, और इवन वी विल आल्सो प्रोवाइड सम ऑप्शंस देयर स्टूडेंट कैन गेट ए फ्री स्टडी। बिफोर स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन, इनसे बात करने से पहले और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, इन्होंने मेडिसिन में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो भी मैं इनसे पूछूंगा। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। एंड अच्छा, ड्यू नमस्कार। यस यस यू टोल्ड मी यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी, यू वॉन्ट टू डिस्कस इन इंग्लिश ओनली। या या एंड आई ऑलरेडी गोट द प्रोफाइल ऑफ योर सन और डॉटर आला, एंड शी या आई थिंक शी इज इन 12th और इन 11th क्लास। या फर्स्ट फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ओके टेल मी। हियर आई एम स्पीकिंग सहस्र चंद्रिका फ्रॉम इंडिया। ओके विच स्टेट? तेलंगाना स्टेट। वेरी हियर गुड। आई एम स्टडिंग बाई पी सी इंटर स्टूडेंट इंटर सेकेंड ईयर। यू आर द स्टूडेंट और यू आर द पेरेंट? ये आई एम द स्टूडेंट। ओके ओके ग्रेट। यस टेल मी ओके। हाँ या बाई पी सी, द मीनिंग ऑफ बाई पी सी, बाई बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आई नो। ओके या नाउ आई एम स्टडिंग सेकेंड ईयर इंटर सेकेंड ईयर। ओके अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टडीज वी शुड टेक सब कोर्स आफ्टर स्टडिंग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, मीन्स लाइक एम बी बी एस, बी डी एस, वॉट एवर एनी मोर एक्सेट्रा, वी शुड टेक आफ्टर स्टडिंग इंटर सेकेंड ईयर। हियर आई एम टेलिंग दैट आई हैव इंटरेस्ट ऑन जेन ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके ओके, ओके दैट आई डोंट हैव एनी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। लाइक आई स्टॉप्ड एट 10th। ओके देन आई कन्वर्टेड टू इंटर लाइक बाई पी सी। देर इज नो मैथमेटिक्स। ओके दैट आई एम आस्किंग इज आई एम एलिजिबल विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड टू जेन ए आई। ओके वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क मी, सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आस्किंग दीज थिंग्स कि वेदर स्टूडेंट कैन डू द एआई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्हाटसो एवर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इफ द स्टूडेंट हैव नॉट मैथ इन 12th। तो देयर इज अ नंबर ऑफ कंट्रीज दोज आर गिविंग द एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम विदाउट मैथ। तो फर्स्टली फर्स्टली टेल मी अबाउट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वेदर यू हैव एनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लाइक आईएलटीएस और पीटी और टॉफल और समथिंग। नो, आई डिडेंट लर्न इट येट। ओके कैन यू टेल मी या व्हेन यू विल आफ्टर कंप्लीट? आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर आई मस्ट लर्न दीज आईएल्स, वॉट एवर इट माइट। ओके 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 व्हाई नॉट इंटरेस्टेड फॉर मेडिकल प्रोग्राम, कैन यू टेल मी? दैट इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम फॉर माई करियर, लाइक 7 to 8 years, तो व्हाई नॉट यू देन टेक आई द हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। आई अंडरस्टैंड व्हाई नॉट यू टुक द पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन योर 11th और 12th? दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, देन आई स्टेप रॉन्ग। ओके नो प्रॉब्लम। वी हैव सम कंट्रीज वेयर यू कैन गेट द एडमिशन इन ए आई ए और अनदर प्रोग्राम लाइक ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके दिस इज अ वन प्रोग्राम, कैन यू टेल मी अनदर ऑप्शन विच यू आर लुकिंग? सॉरी, यू टोल्ड मी यू आर लुकिंग फॉर ए आई ए बैचलर डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यू लुकिंग, कैन यू टेल मी अनदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम ए आई ए? AI, लाइक आई एम ट्राइंग जेन AI, बट देर इज नो बायो मैथ्स बैकग्राउंड। देन इफ इज नॉट एलिजिबल, देन आई विल ट्राई टू बायोटेक्नोलॉजी AI। No, 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 no. I am asking for the engineering program. Apart from AIA, whether you are interested for any another engineering program, leave it about the biotechnology, you are eligible. But I am asking if you could not, if since we always giving a three, four options to the students, please apply in these four, three, four programs. But if you are a specific, you want only AI, so then maybe you will face the difficulties. But if you will take another option, two, three more, like a computer engineering, if you are interested, so then we have the more options so that I can put your application in at least three, four programs. Okay, if you say any best programs, then I will check and I will say. Okay. Big database. Sorry.
बिग डाटा, दैट इज अ बैचलर डिग्री इन बिग डाटा। ओके, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. इवन यू कैन गूगल इट, दिस इज ऑल्सो हाईली डिमांडेड प्रोग्राम। तो आई ओके, विल टेल विच कंट्रीज कैन एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स विदाउट मैथ फॉर इंजीनियरिंग। फर्स्ट कंट्री इज फिनलैंड। फिनलैंड यू कैन गेट द एडमिशन इन एनी ऑफ द बैचलर डिग्री, आइदर यू आर ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट यू कैन डू द मेडिकल प्रोग्राम, इवन यू आर ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट विदाउट मैट यू कैन डू द इंजीनियरिंग ऑल्सो, दैट इज पॉसिबल इन फिनलैंड। ओके, ओके, सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो टेक द AIA प्रोग्राम इन ऑस्ट्रिया ऑल्सो, बट इन ऑस्ट्रिया फर्स्टली दे विल प्रोवाइड यू द फाउंडेशन प्रोग्राम 6 to 12 month। फर्स्टली यू नीड टू कंप्लीट दैट 6 to 12 month प्रोग्राम, देयर आफ्टर योर बैचलर डिग्री विल स्टार्ट इन AI। थर्ड वन इज लाटविया। सॉरी. लाटविया लाटविया ओके, लाटविया यू कैन ऑल्सो टेक द इंजीनियरिंग प्रोग्राम इवन इफ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट, या विदाउट मैथ यू कैन डू इट। बट अनदर कंट्री दे हैव, सॉरी, या वंस, इवन इन ऑस्ट्रिया वी कैन टेक दीज इंजीनियरिंग विदाउट एनी मीन्स मैथ्स बैकग्राउंड. यस यस विदाउट एनी मैथ यू कैन टेक इट, बट फर्स्टली दे विल प्रोवाइड यू द फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशन. ओके, या द फाउंड यू नीड टू कंप्लीट दैट फाउंडेशन प्रोग्राम, देयर आफ्टर योर बैचलर डिग्री विल स्टार्ट। दिस इज ओके, इवन इन इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर हाँ, इंजीनियरिंग जर्मनी इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, या बट इन जर्मनी यू नीड टू क्लियर देयर स्टूडेंट कुलीग, दिस इज ऑल्सो ए फाउंडेशन प्रोग्राम, ओके. दैट इज इन जर्मन लैंग्वेज, 1 year फाउंडेशन प्रोग्राम दैट इज इन जर्मन लैंग्वेज, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू नीड टू प्रोवाइड मी B1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ओके, आफ्टर B1 देयर आफ्टर यू विल स्टार्ट योर फाउंडेशन प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड ए स्टूडेंट कुलीग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट फाउंडेशन प्रोग्राम देन योर बैचलर डिग्री विल स्टार्ट। बट वी आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड यू विल गो फॉर दीज टू कंट्रीज विदाउट एनी हर्डल और विदाउट एनी फाउंडेशन प्रोग्राम। फर्स्टली आई एम रिकमेंडेड फिनलैंड, सेकेंड वन इन लाटविया। लेट वी ओके. इन दैट टू कंट्रीज यू कैन पुट योर एप्लीकेशन। ओके, आई विल चेक अबाउट दिस. ओके, सेकेंड थिंग ओके, दैट विल बी माई ट्राई, दैट इज नॉट लाइक दैट आई विल गिव द गारंटी। We have also a China if you are interested for China. चाइना. ओके, China, but the things this year they have introduced a online entrance exam. This is called a CSCA exam. CSCA ओके, exam. ओके. If you will clear that online CSCA exam in which math and chemistry is there, ओके, if you will clear that exam, even after clearing that exam, possibility is there you can get the admission in engineering. This is my presumption since it is first time introduced by the Chinese government. Since previously I did not process any these type of cases with medical student get the admission in engineering in China, but this year they have introduced this thing. Possibility is there. Possibility is there if. Now you can check these countries like Finland लैटविया, फिनलैंड, and जर्मनी. China. ओके, These three countries you will ओके, check. ओके. दैट Yeah. आई एम इंटरेस्टेड टू दीज ऑस्ट्रिया और जर्मनी. नहीं, ऑस्ट्रिया जर्मनी आई टोल्ड यू यू नीड टू डू द फाउंडेशन प्रोग्राम देन यू विल गेट द एडमिशन देयर। या कैन यू गिव सम मींस कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस फाउंडेशन प्रोग्राम. I will send the link of that student league programs. You can check it. Thereafter, you can understand the things. I will send the link of Germany and Austria also. ओके, If you are comfort, then we can process the application. Yeah. आफ्टर दिस फाउंडेशन प्रोग्राम देर इज नो दैट लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर नहीं, दैट इज दोनों. द नहीं, दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम लाइक दैट वन। After completing the program, they will take your exam. If you will qualify that exam, clear that papers, thereafter they will provide the admission in the bachelor program. It is not like that they will only provide the study and after study they will directly give the admission.
आफ्टर प्रोवाइडिंग द स्टडी यू नीड टू क्लियर देयर एग्जाम व्हाट्स एवर स्टडी यू हैव टेकन. इफ यू विल क्लियर दैट एग्जाम देयर आफ्टर योर बैचलर डिग्री विल स्टार्ट. बट इन जर्मनी फॉर स्टार्टिंग दिस फाउंडेशन प्रोग्राम स्टूडेंट विल बिफोर टेकिंग द एडमिशन इन फाउंडेशन प्रोग्राम दे विल टेक योर एंट्रेंस एग्जाम. ओके इफ यू विल कुड नॉट क्वालिफाई दैट एंट्रेंस एग्जाम यू कुड नॉट स्टार्ट योर फाउंडेशन प्रोग्राम. ओके फर्स्ट वी शुड राइट एंट्रेंस एग्जाम राइट यस इन जर्मनी इट्स ओनली. ओनली फॉर ऑस्ट्रिया व्हाट अबाउट ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया आफ्टर फर्स्टली दे विल इमीडिएटली स्टार्ट योर फाउंडेशन प्रोग्राम. आफ्टर कंप्लीटिंग द फाउंडेशन प्रोग्राम यू नीड टू क्लियर देर एग्जाम देर आफ्टर योर बैचलर डिग्री विल स्टार्ट. ओके इवन आई एम सेंडिंग द लिंक ऑफ बोथ द कंट्रीज यू कैन चेक प्रॉपरली. ओके ओके आई बट विल इन ऑस्ट्रिया यू ऑल्सो नीड द B1 जर्मन लैंग्वेज. इन जर्मनी यू ऑल्सो नीड ए B1 जर्मन लैंग्वेज. ओके ओके आई विल दैट इज एंटायर इन जर्मनी आफ्टर कम बट इन ऑस्ट्रिया इट इज इन इंग्लिश. ओके ओके कमिंग टू द पॉइंट दिस व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स दी स्कॉलरशिप बोथ द कंट्री हैव द स्टडी फ्री जर्मनी बट इन ऑस्ट्रिया फाउंडेशन दे आर टेकिंग द फीस फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम. दिस इज अप्रोक्स आई थिंक सो 5,000 यूरो. 5,000 यूरो यस बट ओके इट इज इन इंग्लिश. इट इज कंडक्टेड बाई द पब्लिक यूनिवर्सिटीज वेयर एज इन जर्मनी द फाउंडेशन प्रोग्राम इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट इज इन जर्मन लैंग्वेज. सॉरी सॉरी वंस मोर आई एम सेइंग फाउंडेशन प्रोग्राम इन जर्मनी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट इज इन जर्मन लैंग्वेज. ओके या एंड अनदर थिंग देर इज नो एनी फाउंडेशन प्रोग्राम इन फिनलैंड एज वेल एज इन लाटविया. यू विल स्टार्ट योर डायरेक्टली बैचलर डिग्री फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर. ओके या ओके लाइक आई हैव डाउट डू वी नीड मैथ स्किल्स इन एंट्रेंस एग्जाम बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बट डू नीड. डू वी नीड मैथ स्किल्स इन एंट्रेंस एग्जाम लाइक इफ आई कन्वर्ट टू यस ए यस आई यस 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 दे विल टेक दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन लाइक मैथ दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन जर्मनी. बिफोर स्टार्टिंग द फाउंडेशन प्रोग्राम दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम. इन दैट एंट्रेंस एग्जाम दे आर टेकिंग द मैथ टेस्ट ऑल्सो. In what about Austria? नहीं ऑस्ट्रिया इट इज नॉट लाइक दैट. फर्स्टली दे विल प्रिपेयर यू देयर आफ्टर दे विल टेक द एग्जाम. Okay. Foundation program after entrance exam. Okay. What about living costs with cut off of scholarships? नहीं स्कॉलरशिप आई एम टेलिंग द स्टडी इज फ्री. अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस यू नीड टू बियर एट योर एंड. Sorry, once more. I am saying your study is free. There is no any tuition fee. Okay. But about your living expenses, you need to bear at your end. Okay. Yeah. Okay. Anything else? Yeah. Just tell me. Yes, I have doubt that I was here for someone. When we are joining universities, they check with some sponsored funded, like if we are fundamentally okay or else not. I could not understand what they are checking. They will check that they if we are okay with fundamental like bank accounts. Nee, yes, that is the need for visa purpose. That is need for the visa purpose. Visa is a different thing, and admission is a different thing. Yeah. If I have doubt. If we don't get seat, pre-seat in public foundations like universities, how much fee we must donate? Nee, which country? In Austria or else Germany? Austria, I First told thing you. I decided to go first Germany. Then after these, I converted to AI. Then I decided to go these Austria. Am saying for Austria, there is no any tuition fees, but your foundation program is paid. You need to pay the tuition fees approx 4,50,000. Okay. Yeah, this is a 4,500 euro to 5,000 euro.
दैट इज यू नीड टू ओके पे टू द यूनिवर्सिटी. वेयर एज इन जर्मनी योर फाउंडेशन इज ऑल्सो फ्री, योर बैचलर डिग्री इज ऑल्सो फ्री. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू ओपन ए ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफ 12,000 यूरो, मीन्स 12 लैक्स. दैट मनी यू नीड टू कैरी विद यू वाइल यू विल गो टू जर्मनी फॉर ओके हायर स्टडी. वेयर एज इन ऑस्ट्रिया देर इज नो नीड टू ब्रिंग द मनी विद यू, बट यू नीड टू शो दैट मनी इन द इन योर पर्सनल बैंक अकाउंट इन इंडिया. या आई वाज हियर दिस Yeah. या ओके दिस Anything? नथिंग एल्स Nothing इफ else. एनीथिंग I am again telling, please also check about Latvia as well as that one, Finland and China. These three countries also check. If you will clear China, if you will clear China CSCA exam, even your study will be free. You can also get a per month scholarship. How much you get? It will approx $100. Approx 100 euros. Yeah. Coming to the Finland, first we should write these foundation like Finland, entrance there is exam. nothing any foundation program. You will directly get the admission in bachelor, but they are taking their online entrance exam Online in Finland. in Finland that is conducted twice in a year. Twice in a year. Yeah, in which they are just taking checking your math proficiency as well as reasoning. These type of things they will take, that is the MCQ questions they are putting in the exam. If you will break that exam, thereafter you will directly get the admission in bachelor degree. But the tuition fees is €9,000 per year. In Finland. Yeah. Now I'm interested in these artificial intelligence. If any more suggestions you check out and you can send me in WhatsApp or We email have please. already given the suggestion as per your requirement. Yeah. If you need anything, if you need any questions, any more information, you can contact the same person, put your question by texting on the WhatsApp. You can immediately get the reply. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you, boss. Thank you. Thank you. Dhanyavaad. Thank you. Dhanyavaad.